हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं हैक स्लैक साइकिल, या इसको हम लोग बोलते हैं C4 साइकिल। यहाँ पर हैच एंड स्लैक जो है ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। एक तरह से ये देख लो कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके दो स्टेप होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन। देखो, डार्क रिएक्शन जो है इसमें CO2 को कह सकते हैं फिक्स किया जाता है डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस में, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें CO2 को स्थिर किया जाता है और अल्टीमेटली ग्लूकोज के रूप में हमको फूड मटेरियल प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करते हैं तो डाइकॉट प्लांट में जो डार्क रिएक्शन है वो केल्विन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था क्लोरेला नामक एल्गी पर अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। जो क्लोरेला एल्गी है उस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो CO2 का पाथ है वो किस प्रकार से होता है, और वहाँ पर आपने देखा था कि जो CO2 है उसके फिक्सेशन में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3-carbon PgA बनता है, इसलिए उस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में हैच और स्लैग जो थे इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में एक दूसरे पाथ को डिस्कवर किया जो मेनली मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें देखा जाता है। अब मोनोकॉट में जैसे आप समझ लो सुगर केन हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें इन्होंने एक नए पाथ को डिस्कवर किया जो CO2 के फिक्सेशन को एक नए तरीके से बताता था। ठीक है, इन्होंने इस चक्र को C4 चक्र कहा और उसका रीजन ये था कि इसमें आफ्टर फिक्सेशन ऑफ CO2 जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4-carbon बनता है। ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लो कि मैक्सिमम मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं, ज़्यादातर जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें C4 चक्र द्वारा CO2 को स्थिर किया जाता है डार्क रिएक्शन के लिए या अंधकार प्रक्रिया के लिए। ठीक है, और डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें C4 चक्र नहीं होता है बल्कि केवल C3 चक्र ही चलता है। अब इसका जो रीज़न है, जो कारण है, उसको आप इसकी जो लीफ की एनाटॉमी है उससे समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करते हैं तो जैसे देखो, एक अपर एपिडर्मिस हो गई, एक लोअर एपिडर्मिस हो गई, बीच में क्या होता है वैस्कुलर बंडल, ये आपका क्या हो गया वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल के बाहर एक आवरण होता है जो इसका क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल सी। ये जो है पूरा भाग, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है बाहर वाला, इसमें जो सेल्स होती हैं ये आपकी कहलाती हैं मीसोफिल सेल। तो अगर हम मोनोकॉट प्लांट की जो एनाटॉमी है अगर हम इसकी बात करें तो जैसे डाइकॉट में क्या होता है कि पैलीसेट और स्पंजी दो तरह के टिश्यू होते हैं। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो खम्ब ऊतक और स्पंजी ऊतक, दो तरह के ऊतक होते हैं। लेकिन मोनोकॉट लीफ में क्या होता है कि जो मीसोफिल सेल होती हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं, सिंगल टाइप। इस तरह से ये जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोफिल सेल। ठीक है, और जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये जो है ये आपके क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल, इसके बाहर
एक आवरण होता है, एक आप कह सकते हैं कवरिंग होती है जो सेल से ही बनी होती है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बंडल शीट। समझ गए? तो जो मोनोकार्ड लीफ है उसमें क्या होता है कि जो एनाटॉमी है लीफ की उसमें मेन दो पोर्शन बनते हैं। पहला पोर्शन आपका होता है मीसोफिल सेल का, ठीक, और दूसरा जो पोर्शन होता है वो बंडल सीट का होता है। अब देखो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है उसको आप समझ लो। देखो मीसोफिल सेल जो होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉल होते हैं यानी कि छोटे, और इसमें जो स्ट्रोमा है वो क्या होता है एब्सेंट होता है या फिर क्या होता है इमैच्योर होता है। यानी कि जो मीसोफिल कोशिकाएं हैं उसमें जो हरित लवक होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, उसमें जो ग्रेना है वो तो विकसित होता है लेकिन जो स्ट्रोमा है वो या तो अनुपस्थित होता है या फिर अविकसित होता है। समझ गए? जो बंडल सीथ है, बंडल सीथ इसमें उल्टा होता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रोमा है वो क्या होता है मैच्योर होता है, लेकिन ग्रेना जो होता है वो अविकसित होता है या फिर एब्सेंट होता है। तो बात मेरी समझ में आ रही है? अगर हम मोनोकार्ड यानी कि एक बीज पत्री पत्ती की आकारिकी की बात करें तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो मीसोफिल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं, उनमें ग्रेना तो विकसित होता है लेकिन स्ट्रोमा क्या होता है एब्सेंट होता है या फिर अविकसित होता है। और बंडल सीट की अगर हम बात करें बंडल सीट की, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बड़े होते हैं और स्ट्रोमा जो होता है वो विकसित होता है, लेकिन ग्रेना जो होता है या तो अविकसित होता है या फिर एब्सेंट होता है। बात समझ में आई? क्लियर? तो इस प्रकार की जो एनाटॉमी है, ये जो मोनोकार्ड के लीफ में जो एनाटॉमी है इसको हम एक नाम देते हैं और इसका नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी, CRANKRANZ, क्या बोलते हैं इसको? क्रैंज एनाटॉमी। तो ये जो क्रैंज एनाटॉमी टर्म है इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्रैंज है, क्रैंज इसकी मीनिंग होती है माला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रीथ। तो इसका जो मतलब है वो सीधा सा ये है कि जो मीसोफिल की कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से अरेंज होती हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल माला के समान दिखाई देता है, ब्रीथ लाइक होता है। समझ गए? क्लियर? तो अब देखो अगर हम यहाँ पर C4 साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन कौन सा होता है? मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होते हैं, स्ट्रोमा एब्सेंट या इमैच्योर होता है और ग्रेना क्या होता है मैच्योर होता है। बंडल सीट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं, बिग होते हैं, स्ट्रोमा मैच्योर होता है और ग्रेना या तो इमैच्योर होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो यानी कि इसमें दो रीजन, दो पोर्शन होते हैं CO2 के फिक्सेशन के लिए। क्लियर? अब देखो जो स्ट्रोमा है उसमें आप लोग जानते हो कि जो C3 साइकिल है, जो केल्विन साइकिल है वो स्ट्रोमा में होती है। तो सीधी सी बात है कि जो बंडल सीथ है उसमें स्ट्रोमा मैच्योर है तो उसमें C3 साइकिल होगी, वो तो चलती रहेगी। लेकिन जो मीसोफिल सेल है उसमें स्ट्रोमा एब्सेंट होता है, तो स्ट्रोमा के एब्सेंट होने पर यहाँ पर C3 साइकिल नहीं होती है, तो इसके स्थान पर एक नई साइकिल बनती है, एक न्यू साइकिल बनती है जो आपकी कहलाती है क्या? C4 साइकिल। अब इसका जो केमिकल इक्वेशंस हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किस तरह से होती हैं इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ।
तो पहली चीज जो मैंने आपको अभी तक जो मैंने बताई उसमें आपको तीन पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नंबर एक, हैच एंड स्लैग साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया। नंबर टू, ये जो साइकिल है वो मोनोकार्ट प्लांट में जैसे सुगर केन, मेज, बार्ली इनमें होती है, लेकिन एक प्लांट डाइकॉट है, एक प्लांट द्विबीजपत्री भी है जिसमें ये साइकिल पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझे। और इसका जो नाम है वो भी आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे याद। देखो जो इसका नाम है वो भी आपको अपने दिमाग में याद रखना है। और इसका नाम है, देखो अगर हम मोनोकार्ट की बात करेंगे तो मोनोकार्ट में आपका सुगर केन हो गया, मेज हो गया, ठीक बार्ली हो गया एसेट्रा। और अगर हम डाइकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट में आपका जो प्लांट आएगा वो हो जाएगा एमरेंथस। एमरेंथस, ठीक है। तो अधिकतर जो एक बीजपत्री पादप है उसमें ये पाई जाती है, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पादप जैसे एग्जांपल के रूप में आपका क्या हो जाएगा एमरेंथस, उसमें भी आपका ये क्या होगा पाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। एमरेंथस, AMARANTHUS, एमरेंथस, क्लियर हो गई बात। तो पहली बार डिस्कवर किसने किया, दूसरी बार ये पाई किस में जाएगी, मोनोकार्ट डाइकॉट में केवल कुछ प्लांट होंगे जैसे एग्जांपल के रूप क्या होगा एमरेंथस, ठीक है। बात समझ में आई। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ये जो प्लांट होते हैं इसमें लीफ में क्रेंज एनाटॉमी होती है, और क्रेंज एनाटॉमी में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी कि द्विरूपी होते हैं, और कैसे होते हैं, मीसोफिल सेल क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ग्रेना विकसित और स्ट्रोमा अविकसित या फिर अनुपस्थित। बंडल शीथ में ग्रेना अनुपस्थित, स्ट्रोमा विकसित, क्लियर। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि C4 साइकिल जो है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे विद केमिकल इक्वेशन। तो देखिए मैंने डायग्राम एक बना रखा है, इसके आधार पे आप समझ लीजिए। देखिए दो पार्ट कर लिए हैं, पहला पार्ट किसके लिए, मीसोफिल सेल है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक कोशिका। और दूसरा क्या हो जाएगा, बंडल सीथ। बंडल सीथ का मतलब बंडल आवरण, समझ गए, क्लियर। चलो सबसे पहले PEP, पैप, ये शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है, इसका पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पैप का पूरा नाम होता है फास्फो इनॉल पाइरूबिक एसिड। तो यहां पर अगर हम C4 साइकिल की बात करते हैं तो फास्फो इनॉल पाइरूबिक एसिड यानी कि पैप वो पहला कंपाउंड होता है जो एटमॉस्फेयर की CO2 को फिक्स करता है, समझ गए। तो रिएक्शन आपकी क्या बनेगी, पैप एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट होगा, और यहां पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा पेप्को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्को। यहां पर PEP का जो नाम है वो तो कॉमन हो गया, फास्फो इनॉल पाइरूविक एसिड, और CO का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज। तो पूरा नाम क्या हो गया, फास्फो इनॉल पाइरूविक एसिड कार्बोक्सिलेज, क्लियर होगी बात। तो देखो पेप एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट होगा, पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये चार कार्बन ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बनाएगा, OAA, ये भी शॉर्ट फॉर्म में है और इसका फुल नेम आपका हो जाएगा ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। और ये चार कार्बन होता है, पेप तीन कार्बन होता है,
तो तीन कार्बन इसके पास है, एक कार्बन यहां से आया, तीन और एक चार। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि CO2 के फिक्सेशन के बाद, CO2 के फिक्सेशन के बाद जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो कितने कार्बन है, चार कार्बन। इसीलिए इस चक्र को क्या बोलते हैं, सी फोर साइकिल। क्योंकि इसको डिस्कवर किया था हैच एंड स्लैक ने, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हैच स्लैक साइकिल। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। तो मीसोफिल सेल में फर्स्ट फिक्सेशन जो CO2 का है वो पेप के द्वारा होता है, CO2 को फिक्स करके ये चार कार्बन ऑक्सलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब देखो ये जो ऑक्सलोएस्टिक एसिड है, अब ये NADPH से रिएक्ट होता है, NADPH, NADPH का जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सलोएस्टिक एसिड से जुड़ जाता है और ऑक्सलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर क्या बना लेता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो NADPH से हाइड्रोजन ऐड होगा, NADP बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऐड होकर OAA बदल जाएगा किसमें, मैलिक एसिड में। क्लियर हो गई बात, बात समझ में आ गई। तो मीसोफिल सेल में पेप के द्वारा CO2 को कंज्यूम किया जाएगा और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फोर कार्बन OAA बनेगा जो हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर क्या बना लेगा, मैलिक एसिड। क्लियर होगी बात, अब आगे देखो। अब देखो अगर हम बंडल सीट की बात करते हैं तो बंडल सीट में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोमा मैच्योर होता है और स्ट्रोमा के मैच्योर होने से यहां पर C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल में आपको मालूम होगा कि CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला जो कंपोनेंट होता है वो RuBP होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबुलोज बाई फॉस्फेट। क्लियर, तो देखो ये जो मैलिक एसिड है अब ये मीसोफिल सेल से ट्रांसफर हो जाएगा बंडल सीट में, बंडल सीट में, और बंडल सीट में ये ट्रांसफर होकर कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। और इसके पास एक तो CO2 है, ये देखो मैलिक एसिड के पास एक तो CO2 है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा यहां पर देखो ATP है। ये तीनों चीजें, ये देखो H+ ATP CO2, ये सब ऐड हो जाएगा किसमें, RuBP में, C3 साइकिल में, और RuBP CO2 को कंज्यूम करके बना लेगा BGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, इस चक्र के मध्य में ग्लूकोज के रूप में भोजन बन जाएगा और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होगी। जो पाइरूवेट है वो बंडल सी से फिर से मीसोफिल सेल में आ जाएगा और ATP से क्रिया करके फिर से बदल जाएगा किसमें, पेप में। तो इस तरह से ये C4 साइकिल जो है वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो एक साइकिल तुम्हारी देखो ये चलेगी, ये वाली साइकिल, ये देखो ठीक, और ये वाली जो साइकिल है ये आपकी क्या कहलाएगी, C4 साइकिल, और दूसरी साइकिल देखो आपकी ये चल रही है, ये आपकी क्या हो गई, C3। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो CO2 का फिक्सेशन है वो दो बार हो रहा है, पहली बार जो हो रहा है वो पेप के द्वारा हो रहा है और ऑक्सलोएस्टिक एसिड बन रहा है फोर कार्बन C4 साइकिल, और दूसरी बार हो रहा है RuBP के द्वारा और क्या बन रहा है, PGA तीन कार्बन। तो इस तरह से जो CO2 का फिक्सेशन है वो दो बार होता है। तो मोनोकॉट प्लांट और एमरेंथस जो डाइकॉट प्लांट है उसमें जो CO2 का फिक्सेशन है वो कितनी बार होता है, दो बार, और दोनों बार जो स्टेबल कंपाउंड है, स्थाई पदार्थ है, वो अलग अलग होता है। पहली बार में जो स्थाई पदार्थ है वो चार कार्बन होता है और दूसरी बार में जो स्थाई पदार्थ है वो क्या होता है, PGA तीन कार्बन। आगे बस हमें, तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो स्पेसिफिक होती है। और मोनोकॉट प्लांट में हैच एंड स्लैक नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड आपको समझाता हूं जिससे कि आप एक बार रिवाइज भी कर लो। मीसोफिल सेल में CO2 को पेप के द्वारा ग्रहण किया जाता है, पेप को एंजाइम की सहायता से ये ऑक्सलोएस्टिक एसिड में बदलता है जो फोर कार्बन होता है। NADPH इससे रिएक्ट होता है, NADP अलग हो जाता है, हाइड्रोजन OA से जुड़कर मैलिक एसिड बनाता है।
मैली कैसे चला जाता है बंडल सीथ में, और इसके साथ एच प्लस एटीपी और CO2 ये कंज्यूम हो जाते हैं C3 साइकिल में RUVP के द्वारा। RUVP इनके कंजप्शन से PGA बनाता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन, और इस चक्र में एक बीच में मध्य में C6H12O6 के रूप में भोजन बन जाता है। तो इस तरह से जो CO2 है उसका एक चक्र तो ये वाला चलता है और दूसरा चक्र ये चलता है। पहले चक्र में C4 साइकिल में CO2 फिक्स होती है, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है C3 में। तो पहली बार फिक्सेशन हुआ C4 साइकिल में, दूसरी बार फिक्सेशन हुआ C3 साइकिल में। इसका मतलब CO2 का जो फिक्सेशन है वो कितनी बार होता है? 2 बार। आगे बात समझ में? ये पूरे रिएक्शन है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, यही पूरे रिएक्शन है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको आप बना भी सकते हैं। एग्जाम में आप एज इट इज इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक, और जो रिएक्शन है उसको आपको लिख देना है। जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। PEP फास्को इनॉल पायरूबिक एसिड, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, RUBP राइबुलोज बाईफास्फेट, PGA फास्को ग्लिसरिक एसिड। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से अगर हम C4 साइकिल को समझना चाहें तो बहुत सिंपल सी साइकिल है जिसको आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, और इसी फ्लो चार्ट से आप बेसिकली देखा जाए तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि C3 और C4 में डिफरेंस करो तो बहुत सिंपल से पॉइंट हैं। यहाँ पर C4 में CO2 को फिक्स कौन कर रहा है? फास्को इनॉल पायरूबिक एसिड। यहाँ पर CO2 को फिक्स कौन कर रहा है? RUBP, ठीक। पहला हुआ जो पेप है, फिक्सेशन के बाद क्या बना रहा है? OAA 4 कार्बन। यहाँ फिक्सेशन के बाद क्या बन रहा है? PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक। यहाँ पर जो C4 साइकिल जो है वो कहाँ पर हो रही है? मीसोफिल सेल में। ये वाली साइकिल कहाँ हो रही है? बंडल सीट में, ठीक। इस साइकिल में किसी भी प्रकार का कोई भी फूड मटेरियल नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, केवल CO2 का फिक्सेशन होगा। यहाँ पर फिक्सेशन भी होगा और प्रोडक्शन भी होगा, समझ रहे हैं? तो इस तरह से अगर आप इस साइकिल को ध्यान से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको अगर एग्जाम में डिफरेंस करने को भी आता है तो 4-5 डिफरेंस आप इसी चक्र के माध्यम से क्या है, निकाल सकते हो। आगे समझ में? क्लियर। शुरुआत में मैंने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें क्रेंज जो शब्द है, क्रेंज इसको ब्रेत बोलते हैं या माला के समान संरचना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कि मीसोफिल सेल में और बंडल सीथ में जो क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंशिएशन है वो भी आप अपने दिमाग में याद रखेंगे। तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये आपका पूरा फुल क्वेश्चन है जो ग्राफ के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में आपको एग्जाम में बनाना होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई दिए मोनोकार्ड के भी, और डाइकॉर्ड में एमरेंथस याद रखिएगा जो एक ऑप्शनल है। आमतौर पे जितने भी डाइकॉर्ड प्लांट हैं सब में C3 चक्र होता है, C4 चक्र नहीं पाया जाता, लेकिन ऑप्शनल है जो C4 साइकिल को भी शो करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इस पूरी साइकिल को ध्यान से देख लो, समझ लो, और हमेशा की तरह अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट या मेरे चैनल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।